नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा और आ, मैं देख रही थी गणेश जी के अलग अलग आ, जो मूर्तियाँ हैं अलग अलग पोजेज जो होते हैं आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन को ज़्यादा महत्व दिया गया है कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में कई लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग मूर्तियों को अपने घर में लेकर के आते हैं हम बात करेंगे आज धनतेरस की जी हाँ धनतेरस का पर्व खास माना जाता है लक्ष्मी पूजन के लिए खास माना जाता है धनवंतरी वेद की पूजा के लिए खास माना जाता है कुबेर भगवान की पूजा के लिए और साथ ही साथ ही गणपति जी जो हैं उनकी पूजा से आपके जीवन की ऑब्स्टैकल्स आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो छूमंतर हो जाती हैं इसीलिए मेरे पास ये जो बुक है ये बहुत ही एक तरीके से मैं ये कहूंगी कि बहुत ही इनोवेटिव बहुत ही प्यारी बुक है इसमें गणपति गणपति जी के अलग अलग मूर्तियों के जो पोजेज हैं वो दिए गए हैं आज मैं आपको बताऊंगी कि इस धनतेरस पे आप कौन सी मूर्ति अपने घर में लेकर के आएँ मैं आपसे बात करूंगी कि धनतेरस पर कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए साथ ही में जानेंगे कुछ खास पूजा की विधि और खास उपायों के बारे में तो मैं आपसे बात करूंगी कि धनतेरस पर किस तरह से क्या पूजा विधि रहेगी तो सबसे पहले मूर्ति पूजन की बात कर लेते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जिस भी देवी देवता का विग्रह या मूर्ति हम अपने घर में लगाते हैं वैसी ही एनर्जीज़ को हम बाइक करते हैं अपने घर में तो कहीं ना कहीं पे धनतेरस का दिन का मतलब ये होता है कि धन की तेरस धन को मल्टीप्लाई करना धन का एक तरीके से जो बढ़ोतरी है वो आपके जीवन में हो जाती है क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार कई सारी कथाएं बताई गई हैं शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि धनतेरस वो दिन है जिस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था उस समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और जो राक्षस थे वो उनके बीच में एक लड़ाई चल रही थी उस दौरान लक्ष्मी जी जो थी वो एक अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के दौरान निकली थी उसके अलावा धनवंतरी वेद जो थे उनकी उत्पत्ति हुई थी इस दौरान इसके अलावा कई सारे चौदह रत्न जो थे वो निकले थे तो आप देखेंगे कि धन धनतेरस का दिन जो होता है खासतौर पे इतना सिग्निफिकेंट है कि इस दिन अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो तेरह गुना आगे बढ़ जाता है तेरह गुना ज़्यादा आपको उसका फल प्राप्त होता है इसके अलावा धनवंतरी वेद जो थे वो देवताओं के वेद माने गए हैं आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा ऊपर और आयुर्वेद के ज्ञाता माने गए हैं तो इसीलिए इस दिन धनवंतरी वैद यानी कि आपके लिए आपके जीवन में वेल्थ आई माँ लक्ष्मी की पूजा से आपके जीवन में हेल्थ आई जो कि जिसके बिना कोई भी काम अधूरा है आपके पास पैसा आप कमा लेंगे लेकिन अगर सेहत आपकी अच्छी नहीं है तो वो उसके बिना अधूरा है तो हेल्थ आ गई धनवंतरी वैद्य की पूजा से कुबेर भगवान की पूजा से आपके जीवन में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो खत्म होती हैं इसके अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है क्योंकि माँ लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं ना तो हम क्या कहते हैं सुख और समृद्धि हमारे घर में आए तो माँ लक्ष्मी की पूजा से हेल्थ एंड वेल्थ जो है वो प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपके घर में आती है अब बहुत इंपॉर्टेंट बात गणपति जी की पूजा जब हम करते हैं तो उनकी कृपा से क्या उन्हें कहा जाता है विघ्नहर्ता तो इसीलिए गणपति जी की पूजा से हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो चली जाती हैं ऑबस्टैकल्स हैं वो निकल जाते हैं तो इसीलिए इस धनतेरस पर सबसे पहली चीज़ गणपति पूजन ज़रूर करें उसके अलावा लक्ष्मी पूजन ज़रूर करें भगवान विष्णु के साथ कई लोग ये गलती करते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं लेकिन अकेले करते हैं अब आप माँ लक्ष्मी को अकेले अपने घर में इन्वाइट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आएंगी तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा देर ठहरेंगी नहीं इसीलिए वो जिनकी पत्नी हैं उनके साथ अगर आप उन्हें अपने घर में इनवाइट करेंगे अपने घर में विराजमान करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके घर में स्थायी अवस्था में रहेंगी तीसरी बात धनवंतरी वैद्य की जब आप पूजा करते हैं तो उसके साथ साथ कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि अपने घर में जो छोटी छोटी वास्तु से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना वो भी आप जरूर ठीक करें और छोटे उपायों की भी मैं बात करूंगी तो आ, अलग अलग फॉर्म्स या अलग अलग विग्रह अलग अलग मूर्तियाँ जो है वो बताई गई हैं अलग अलग पूजाओं के लिए सबसे पहले हम गणपति जी की मूर्ति के साथ शुरू करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए बाई सूंड वाले जो गणपति जी हैं वो अपने घर में लगाएं सुख और समृद्धि के लिए अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगर आपका कोई व्यापारिक स्थल है तो वहाँ पर आप व्यापार के स्थल पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं इन केस अगर आपके उस ऑफिस में कोई वास्तु दोष है मान लीजिए गलत डायरेक्शन में प्लेसिंग है तो कोशिश कीजिए आप उसके एंट्रेंस पे सिटिंग पोस्टर में एक गणेश जी लगा सकते हैं जिनकी सूंढ जो है वो बाई तरफ हो इसके अलावा जो लोग आ, कला के क्षेत्र में खासतौर पे डांसिंग के क्षेत्र में म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाना चाहते हैं वो लोग अपने लिविंग एरिया में ऐसी uh, मूर्ति गणपति गणपति जी की लगा सकते हैं जो कि डांसिंग uh, पोस्चर में हो और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि uh, जो बहुत स्टैग्नेंट रहते हैं जिनका जो एक uh, तरीके से मैं ये कहूँ कि उनका माइंड जो है क्रिएटिव चीज़ों में चलता नहीं है ऐसे लोगों को या जिनका जो काम है वो कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ऐसे लोगों को डांसिंग गणेशा अपने लिविंग रूम में लगाने चाहिए इसके अलावा लक्ष्मी पूजन की हम बात करें तो माँ लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति आप लेकर के आएँ अपने घर के लिए जिसमें कि माँ लक्ष्मी जो है वो बैठी हुई अवस्था में हो खड़ी हुई लक्ष्मी जी ध्यान रखिए हमेशा ऑफिस में लगाई जाती है क्योंकि ऑफिस में हमें जो पैसा है ना वो ठहराव में अगर रहेगा व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो आपका पैसा अगर ठहर जाएगा तो समझिए आपका काम नहीं चलेगा तो व्यापार में हमेशा पैसा रनिंग में चाहिए होता है आ भी रहा है और जा भी रहा है तभी तो काम चलेगा ना तो आपको जो आपका व्यापार है आपका ऑफिस है वहाँ पर आप खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं लेकिन बैठी हुई लक्ष्मी जी आपके घर में आपको पूजा करनी है लक्ष्मी जी के वस्त्रों का रंग लाल होना चाहिए भगवान विष्णु के वस्त्रों का रंग पीला हो तो बहुत बढ़िया रहेगा गणपति जी के वस्त्रों का रंग पीला हो तो बहुत बढ़िया रहेगा इसके अलावा आपको धनवंतरी वेद की जब आप पूजा करेंगे तो कोशिश करें कि आप उस दौरान जिन लोगों की मेडिकेशन या इस तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं तो उन्हें उठा करके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख दीजिए ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में से पहली बात तो दवाई जो है आपको बहुत जल्दी असर करेगी और दवाई लेना आपका बंद हो जाएगा अगली बात कुबेर जी की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए एक कथा और जुड़ी हुई है माइथोलॉजी के साथ जिसमें कि कुबेर जी जो हैं वो इस दिन तौर पे जो इन्हें कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है तो आ, कई सारी कथाएं हैं जो इस इस, इस इस कुबेर जी के साथ जुड़ी हुई हैं धन धनतेरस के साथ जुड़ी हुई हैं तो कब कुबेर जी की पूजा में आप इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे ओम ह्रीम कुबेराय नम ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र को एक वाइट पेपर पे लाल रंग के पेन से लिखिए या रोली से आप लिखिए और उसे उठा करके फोल्ड करके उस पर एक कलावा बांध के लाल रंग का और उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख दीजिए कोशिश करें उसे लाल कपड़े में बांध करके रख दें ऐसा करने से आप देखेंगे आपका जो पैसा है जो वेल्थ है वो बढ़ने लग जाएगी एंड जस्ट बिकॉज आप इस उपाय को धनतेरस वाले दिन कर रहे हैं वो थर्टीन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी धनतेरस के दिन क्योंकि थर्टीन नवंबर को इस बार धनतेरस का पर्व रहेगा और खास तौर तो पे जो टाइमिंग रहेगा इसका वो पाँच बजकर अट्ठाईस मिनट से लगभग लगभग छः बजे तक का समय जो है वो पूजा के लिए बहुत शुभ रहेगा अलग अलग चीज़ों की खरीदारी बताई जाती है और वो इसीलिए बताई जाती है जस्ट बिकॉज इस दिन आप कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं ना शुभता वाली तो वो कही कहीं ना कहीं पर आपके जीवन में मल्टीप्लीकेशन को शो करती है तो इसीलिए इस धनतेरस पर इन उपायों को ज़रूर कीजिए इस तरह से मूर्ति पूजन ज़रूर कीजिए और एक और छोटा सा उपाय अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है तो धनिया जो है वो बताया जाता है बिकॉज़ धनिया शोज़ प्रॉस्पेरिटी जो ग्रीन कलर होता है वो प्रॉस्पेरिटी को शो करता है ग्रीन कलर अगेन आपके हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है तो ग्रीन जो धनिया होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं उसे आपको एक मिट्टी के पात्र में बो देना है कोशिश कीजिए धनिया के जो बीज होते हैं वो आप बो देंगे और उसके बाद जब वो धनिया उगने लगेगा तो उसे आप अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसे आप सबसे पहले भगवान को अर्पित करेंगे या फिर आप कोशिश कीजिए उसे दूसरे किसी प्लांट में दिया दूसरे किसी उसमें आप उगा देंगे तब आप उसे इस इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद जो धनिया उसमें से उगेगा उसे आप एक लाल कपड़े में बांध करके उसके साथ एक सिक्का रख करके अपने तिजोरी में रख दीजिएगा इस उपाय के करने से भी आर्थिक समस्याएं बहुत जल्द खत्म होती हैं। तो इसी के साथ इन खास उपायों के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए धनतेरस का त्योहार जो है वो खुशियां लेकर के आए फिलहाल दीजिए इजाजत नमस्कार